नमस्कार, मैं गरिमा गुप्ता, अध्यक्षा शिक्षा समिति। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद शिक्षक छात्र अनुपात में सबसे पीछे है, जिसका एकमात्र कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। जहां दिल्ली सरकार ने अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, वहीं उन्होंने निगम का शिक्षा जो बजट होता है वो पूर्णतः ख़त्म कर दिया है, जिसका सीधा प्रभाव आज दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी यह भूल चुके हैं कि शिक्षा का समाज व राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा हमें मेहनत करना सिखाती है, अनुशासन से जीना सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी की मुफ्त नीतियाँ लोगों को निकम्मा, बेकार और बेरोजगार बनाना चाहती हैं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव तैयार करती हैं, इसलिए इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली की जनता को यह सोचना होगा कि अगर हम सजग न हुए तो भविष्य में हमें इसके भीषण परिणाम देखने पड़ेंगे। आज नॉर्थ एमसीडी वितेई बदहाली से गुजर रहा है। वर्तमान में नॉर्थ एमसीडी में 7,000 टीचर्स 2,30,000 बच्चों के ऊपर हैं और दिल्ली सरकार फंड्स नहीं दे रही है। अगर समय पर निगम को फंड मिलता है तो न ही केवल शिक्षकों की सैलरी टाइम पर दी जाएगी, बल्कि बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए अधिक शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी।